हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप टेलीग्राम से अगर डाउनलोड करते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, यानी कि मतलब मैं सेंड कर देता हूँ। अगर जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह चल रहा होता है या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे एडिटिंग चल रही होती है तो उसका बैकग्राउंड पेज मैं वहीं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग वहाँ जाते हो तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। बाई गाइस, अगर आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी एक्सेस वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए एडिटिंग एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड इस चैनल में वीडियोस आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी गाइस, चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, यहाँ पे आप जैसे अपने मॉडल को ऐड करोगे आपको करना, आपको फुल स्क्रीन करके जो है आपको यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है? बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको डस्ट के पीएनजी वगैरह कैसे लगाना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे डन कर देना है, देन आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो आपको एक पार्टिकल का पीएनजी जो मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग मोड में, एंड यहाँ से जो आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको सिंपली जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ जहाँ पे डस्ट उड़ रही है, जैसे मतलब यहाँ पे पैरों के पास, ठीक है? इस तरीके से आपको जो मतलब कि दो तीन जगह पे लगा देना है, जैसे कि डुप्लीकेट करेंगे हम यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे। एंड बाकी जो इसकी ओपेसिटी आप लोगों को यहाँ पे कम रखनी है, ठीक है? वो ज़्यादा मत रखना, अगर ज़्यादा रखोगे तो फेक लगेगा, तो हम कम कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है फोटो को डन कर लेते हैं। एंड अगर साइड में ना एक पार्टिकल का पीएनजी और लगाना आप सभी को, वो कैसे क्या करना है, कहाँ लगाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली यहाँ से ऐड फोटो से जाकर आपको यहाँ पे पार्टिकल का पीएनजी ले लेना वही वाला, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से चले जाना ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको साइड में कुछ स्टेप से मतलब साइज ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ठीक है? नहीं तो दिखेगा ये, तो ओपेसिटी पहले कम कर लेते हैं, तो साइज जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है आपको, ठीक है? इतना रख देना है। बाकी उसके बाद क्या कर देना है, आप लोग को कर देना फोटो को डन। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड ऐसे सेव कर लेने के बाद आप लोग लेकर चले जाना है ऐसे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको सिंपली लाइट वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से आपको पहले कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना, हाइलाइट्स को जो है कम कर देना, शेडो को जो है इंक्रीज कर देना है, एंड जो ब्लैक्स है इसको कम कर देना है। देन चले जाना आपको कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद मिक्स में चले जाना है, ऑरेंज कलर लेना है, इसका ल्यूमिनस आप सभी को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद येलो कलर लेना है आपको, इसका जो ह्यू है इसको माइनस कर देना है। डार्क ब्लू लेना है, इसका जो ह्यू है इसको भी थोड़ा माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस को इंक्रीज कर देना है। देन आपको कर देना है फोटो को डन, एंड चले जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है, एंड फोटो में डाल देना इफेक्ट वीगनेट, ठीक है? अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको इधर को इंक्रीज कर देना 100%। देन आपको नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देना, थोड़ा सा नोटेशन बढ़ा देना है। एंड फाइनली यहाँ पे जो फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।